हेलो डियर स्टूडेंट पावर्ड पे आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस में हम लोग एस एस 2024 को हम टारगेट करते हुए हम लोग लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जिसमें अगर हम बात करें तो हम हाइड्रोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर कर चुके हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इरिगेशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया है चलिए तो सभी स्टूडेंट एक बार आप लोग क्लास को शेयर देखते एक मंथ तो हमें ही हो गया है, ठीक है इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी को पढ़ते ही पढ़ते ठीक है और आप देख भी पा रहे हो कि अब एस एस जेई का एग्जाम भी काफी पास में है क्योंकि देखो फरवरी का मंथ है आप मान लो कि आधी फरवरी तो चली गई ठीक है तो आप देख लो आपकी कितना कम टा, कम टाइम अब आप लोगों के पास है और इतने कम टाइम में आपको नॉन टेक्निकल को भी कवर करना है और टेक्निकल को भी कवर करना है तो बताएं भाई सभी लोग कितने आर्ट्स पढ़ रहे हो आप लोग कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी भाई बहुत अच्छे से मेहनत करो देखो कि कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है क्यों क्योंकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ने वालों की संख्या भी उतनी है और जितनी ना पढ़ने वालों की संख्या है ठीक है तो हमें तो पढ़ने वालों बच्चों के साथ आपने कॉम्पिटिशन आपने फेस करना है बेसिकली चलिए भाई तो सभी स्टूडेंट एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन तो देखो आप लोगों को सेशन आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो दिन भर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को काफी चीजें आ रही होंगी क्योंकि देखो अगर हम कोई लेक्चर से सुनते हैं चीजों को तो वो चीजें तो बिल्कुल याद हो जाती हैं जैसे खुद से आप पढ़ रहे होगे तो थोड़ा टाइम लगता है बेसिकली खुद से पढ़ने में या खुद से चीजें याद करने में नहीं और जब यहाँ से आप चीजों को कवर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी पे आप पहुंच रहे हो गए बताएं कैसे हो आप सभी लोग कैसी है आपकी तैयारी आप लोगों पे वो जोश मुझे नहीं दिखाई देता क्या बात है बताओ इतने लंबे समय से क्लास चल रही है अब तो रूटीन है ये डेली का रूटीन है कि छह बजे तो लाइव क्लास होगी होगी ठीक है फिर भी मुझे आप लोगों पे वो बात नजर नहीं आ रही है मतलब आप ऐसे हो कि चलो ठीक है कुछ स्टूडेंट तो देखो सीरियस हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें लेनी ही नहीं है क्लास चलिए भाई एक मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग एक इसको स्टार्ट करते हैं देखो कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है तो आपने अपने संघर्ष से डरना नहीं है क्यों क्योंकि कल के दिन जब आप सफल हो जाओगे तो फिर आप कैसे कहानी सुनाओगे अपनी संघर्ष की कहानी आप सुनाओगे ना कि आपने इतनी तरीके से स्ट्रगल किया था और आज आपको ये इतनी अच्छी जॉब हासिल हुई है तो इसीलिए आपने घबराना नहीं है अगर हमारे और डेज अगर चल रहे हैं तो एक अच्छे दिन भी जरूर आएंगे ठीक है ये बात आपने ध्यान रखनी है चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर कर दो भाई जिससे कि जो ये मोटिवेशन लेवल स्टार्टिंग में हमारा अप हुआ है ये सात बजे तक पूरी क्लास में रहे ठीक है चलिए भाई तो देखो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है देखो एस एस सी जे दो हजार चौबीस प्रिलिम स्प्रेन्स एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये डेडिकेटेड रिकॉर्डेड बैच है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न

आप लोगों के अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सेवन थ्री सेवन फोर ट्रिपोल जीरो ट्रिपल एट राइट और साथ ही साथ आप निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे वैसे ये कोर्स विजिबल हो जाएगा आप डेमो डेमोलेक्चर्स को देख सकते हैं और अगर आपको समझ में आता है देन आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स के अंदर चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन के साथ ये देखो भाई एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन एस एस सी फरवरी 2024 में हम हैं और एस एस सी का क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है अब देखो इससे ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन क्या लाए आप लोगों के लिए बताओ चलिए भाई अब आंसर कर दो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का देखो बोला गया है ड्यूरिंग रेनी सीजन इफ द रेनफॉल इज सफिशियंट ड्यूरिंग दी क्रॉप पीरियड less quantity of irrigation water shall be required and therefore the duty of irrigation will be आपसे कहा गया है जो क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन डिस्चार्ज की हम बात करें तो वो हमें कम नजर आ रही है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये बता दो कि ड्यूटी ऑफ द इरिगेशन हमें क्या देखने को मिलेगी तो राइट आंसर क्या करोगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सी या कोई रिलेशन ही नजर नहीं आता बताइए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ

पास क्या होता है एरिया अपॉन ड्यूटी होता है जहां पर कहा है कि क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन लेस डिस्चार्ज हमें नजर आ रहा है तो तो हमें क्या नजर आएगा ड्यूटी विल बी बी मोर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कोई कोई दिक्कत समस्या कर लोगे ना अब देखो अब कह रहे हैं कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है पुराने क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो बताओ 2023 में वैसे ही क्वेश्चन आ गया ना बस आपकी क्या करा थोड़ा चेंज कर दिया ठीक है थोड़ा चेंज कर दिया लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन तो वही पूछ रहा ना लैंग्वेज चेंज भी कर लिया तो ठीक है चलिए भाई आज देखो भाई देखना कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हो आप अपने आप को देखो तो सही डे बाय डे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या वही हो जहां पहली क्लास में मैं जितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे थे उतने ही कर पा रहे हो चेक करो अपने आप को ठीक है कि देखो पहला क्वेश्चन है देखो कि आपने सही किया तो अपने आप को मार्क्स दो नहीं किया है तो सीधा क्रॉस करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेंजेस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो ठीक है भाई

कि जब भी हम एक्चुअल वेलोसिटी के लिए जब भी हम एक्चुअल वेलोसिटी के लिए फार्मूलाज की बात करते हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं एक तो आपके पास मैनिक्स फॉमूला होता है क्या होता? होता है आपके पास एक मैनिक्स फॉर्मूला होता है मैनिज फॉर्मूला होता है और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है आपके पास चेजिस फार्मूला होता है क्या होता है आपके पास चेजिस फार्मूला होता है जब हम मैनिक्स फॉमूला की बात करते हैं तो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है वन अपॉन एन

क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये चेजिस कॉन्स्टेंट में बताओ किसकी इक्वेशन रखते थे आप कटर्स की इक्वेशन रखते थे ना क्या आंसर कर रहे हो आप ए बी सी ही करेक्ट हो गया क्या अरे नहीं भाई इसमें जो ज्यादा हमारा सही आंसर है वो कटर्स फॉर्मूला का है ये कब से आप करने लगे मैनिज फॉर्मूला कब से रखने लगे आप चेजिस कॉन्स्टेंट की जगह तो चेजिस कॉन्स्टेंट जो ये सी की वैल्यू होती थी तो इसमें एक आपके पास बड़ा सा सी की वो नहीं आ जाती थी जिसमें ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट डबल जीरो तरीके से जो फॉर्मुला है वो किसका है वो कटर्स का है भाई कटर्स का किसका है वो कटर्स फॉर्मला का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये तो मैनिक्स फॉर्मूला है और ये है इसमें सी में या तो चेजिस कॉन्स्टेंट रखते हैं या कटर्स कॉन्स्टेंट रख लेते हैं हम कर लोगे ये ऐसा आंसर कैसे कर लिया आप लोगों ने कहा पढ़ के आए हो आप ऐसे कि सारे ए बी सी सारे लग रहे हैं बोल रहे हो आप तो ऑप्शन तो है नहीं ऐसा चलिए

आ, आप मैनेस की इक्वेशन को इक्वलेंट रखते हैं ना तब ये फॉर्मुला निकलता है बट जो चेजेस इक्वेशन में आप देखोगे तो वहां पर हम लोग हमेशा कटर्स कॉन्स्टेंट रखते हैं तो राइट आंसर क्या जाएगा कटर्स कॉन्स्टेंट का इसको बताओ क्या करूं इसको मार्क वेरी गुड कौन सा लीस्ट सुटेबल है अर्देन डैम के लिए ओगी लीस्ट स्पीलवेटेबल है कौन है आपका लीस्ट सुटेबल ओगी स्पीलवे सु... आपका लीस्ट सुटेबल है ओगी स्पिलवे को फिर जनरली हम कहा प्रोवाइड करते हैं हम कहते हैं ओगी स्पिलवे को आप प्रोवाइड करते हो ग्रेविटी डैम में कहा प्रोवाइड करते हो आप

यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जो हमारा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है जिसमें स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में क्या होता है कि डायरेक्टली आपका वाटर इस तरीके से जो, जो सर्फलेस वाटर है एक्स्ट्रा वाटर को ही तो हम हटा रहे हैं ठीक है डायरेक्ट इस तरीके से नीचे आता है आपका एकदम स्ट्रेट इस इससे क्या होता है जो ये नीचे वाला पार्ट होता है वो इसको इरोड कर देता है जब आप ओगी स्पिलवे की बात करोगे तो ओगी स्पिलवे में जो ये सरफेस होता है देखो काफी स्मूथ बनाया जाता है ये वाला सरफेस ये काफी स्मूथ बनाया जाता है जिससे कि वाटर बहुत अच्छे से आपका मूव करता है और हमें कोई ऐसे एप्रेंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है इरोजन वगैरह पॉसिबल नहीं होता है ठीक है और आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम स्पिलवे की बात करते हैं तो स्पिल डैम की सेफ्टी वॉल्व कही जाती है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डैम क्या है आपकी स्पिल है क्यों क्योंकि हमें पता है कि जब एक लेवल से अब हमारा वाटर चला जाता है तो हम क्या करते हैं उस वाटर को हम लोग मूव कराते हैं अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पिलवे बोलते हैं बात समझ रहे हो और इस स्पिलवे की खासियत क्या है कि इसमें बहुत स्मूथ सरफेस बनाया जाता है जिससे कि वाटर आपका आराम से क्या हो सकता है हम मूव करा सकते हैं अपस्ट्रीम टू डाउन डायरेक्शन में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब बताओ भाई ये क्या है अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज एसएससी एस सी जे दो का क्वेश्चन तो देखो प्रीवियस इ्वेश्चन भी है साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए कि ट्रेनिंग में हमें जरूरत है ट्रेनिंग करने की जब किस टाइप करोगे डिग्रेडिंग टाइप करोगे या बहुत सी आप लोगों की नजर में करेक्ट है मार्क करें भाई सभी लोग बताइए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए क्या बोल रहे हो आप हरियाणा में क्वेश्चन आया था एबीसी राइट था अरे भाई वहाँ पे ऑप्शन भी तो होगा ना एबीसी कैसी कैसी बातें करते हो आप यहाँ जब ऑप्शन ही नहीं है एबीसी तो क्या एबीसी कहाँ मार्क करने लग जाओगे इसी की वजह से तो एस में गलत होते हैं आपके क्वेश्चन अपनी बात में रखना है कुछ चीज जानने की कोशिश ही नहीं करनी है अब ऑप्शन दिख रहा था क्या एबीसी एबीसी मार्क करे जा रहे हो बताओ भाई इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करो ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मिंडरिंग टाइप जब मिंडरिंग टाइप हमें रिवर नजर आती है तो हमें रिवर ट्रेनिंग वर्क करने की जरूरत होती है मिंडरिंग टाइप का मतलब क्या है कि मिंडरिंग टाइप मतलब क्या होता है देखो जो रिवर्स होती है बेसिकली वो अपना पाथ बेसिकली क्या कर दे रही है चेंज कर दे रही है क्यों क्योंकि क्या हो रहा है उसमें सेडिमेंट्स वगैरह जो डिपॉजिट हो रहे हैं उस सेडिमेंट के डिपॉजिट होने की वजह से जो रिवर का पाथ है वो क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है ठीक है अब देखो किस तरीके से दिखती है देखो मिंडरिंग टाइप रिवर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखती है मिंडरिंग टाइप रिवर इस तरीके से एस शेप से इस तरीके से दिखती है हम क्या कर रहे हैं कि जो ये सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से जो रिवर अपना पाथ चेंज कर रही है इसको हमने क्या करना है बेसिकली ट्रेन करना है जिससे कि रिवर अपने पाथ को चेंज ना करे साथ ही साथ इरोजन जैसी जो साइड से इरोजन देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले इसीलिए हम रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं तब हम कहते हैं कि आप ग्राइंड प्रोवाइड कर रहे हो तब हम कहते हैं आप स्पर्स प्रोवाइड कर रहे हो हम कहते हैं गाइड बैंक को प्रोवाइड कर रहे हो इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हो आप जब इस तरीके के शेप में आपके एक्स्ट्रा टर्बुलेंस हम लोगों को बहुत ज्यादा नजर आती है आपके रिवर ट्रेनिंग वर्क में बात समझ रहे हैं इसी को कहते हैं हम मिंडरिंग टाइप्स चलिए आगे चलते क्या आप आंसर करोगे साइफन क्या करोगे, aqueduct, tunnel, देखो कब पूछा गया दो हजार बीस मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए बताएं भाई सभी लोग आंसर करें तो भोपा स्वामी माया राम आर के राजिक ब्रॉक लेनर रिंकी कुमारी रितु सैनी सभी लोग बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं भाई वेरी गुड फिफ्थ का आंसर जा रहा है सी वेरी नाइस तो देखो आपको पता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क में अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क में हम लोग क्या कहते हैं देखो कि कैनाल अगर अब है कैनाल अगर अब है ड्रेन से तो हम लोग कहते हैं कि दो स्ट्रक्चर बेसिकली हम प्रोवाइड कर सकते हैं या तो भाई एक्विडक्ट हम प्रोवाइड कर देंगे क्या कर देंगे हम या तो एक्विडक्ट हम प्रोवाइड कर लेंगे या फिर हम क्या कहते हैं कि साइफन एक्विडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे क्या करोगे आप साइफन हम प्रोवाइड करेंगे या तो हो सकता है या तो साइफन एक्विडक्ट हो सकता है ठीक है अगर हमारी ड्रेन अब, अब चल रही है ड्रेन का लेवल अगर हमारे कैनाल से अब, अब चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि दो चीजें हम यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं या तो सुपर पैसेज हो सकता है ठीक है या तो क्या हो सकता है सुपर पैसेज हो सकता है और या तो क्या हो सकता है साइफन हो सकता है या तो सुपर हो सकता है या तो साइफन हो सकता है इसी तरीके से अगर ड्रेन हमारी कैनाल के साथ हमारी अगर सेम लेवल पे है तो हम लोग कहते हैं कि हमें क्या नजर आएगा या तो इनलेट एंड आउटलेट हो सकता है इनलेट एंड आउटलेट हो सकता है और या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेवल क्रॉसिंग हो सकती है क्या हो सकती है लेवल क्रॉसिंग हो सकती है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आंसर क्या चल जाएगा नॉट अ क्रॉस क्रॉस ड्रेनेज ड्रेनेज वर्क वर्क टनल नहीं है 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 साइफन सुपर पैसेज सारे के सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क में आते हैं आपके क्लियर चलिए बहुत अच्छे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रम्स प्लस मेन्स को टारगेट करते हुए ऑनलाइन लाइव क्लासरूम है क्लास फ्रॉम ऑफलाइन क्लासरूम कहने का मतलब ऑफलाइन क्लासरूम से डायरेक्ट आपके पास लेक्चर्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं साथ ही साथ बुक हार्ड कॉपी बुक भी आपके पास अवेलेबल होगी इसमें जिसमें एस एस की पी वाई क्यू बुक होगी प्लस एम सी क्यू बुक होगी प्लस रीजनिंग की बुक होगी और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की बुक तो अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है और अच्छे से प्रिपेयर करनी है चीज़ों को और मेरा तो ये कहना है कि जो फ्रेशर्स हैं एकदम जो कंटेंट आज तक अभी पढ़े नहीं है उनको इस कोर्स के साथ जाना चाहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन ढंग से करना चाहिए आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करो विच ऑफ दी फॉलोइंग डैम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन बताओ इसमें से कौन सा ऐसा डैम है जिसे स्ट्रक्चरल डिजाइन के रिस्पेक्ट में हम क्लासिफाई करते हैं क्या वो ग्रेविटी डैम है क्या वो स्टोरेज डैम है क्या वो डिटेंशन डैम है क्या वो डाइवर्जन डैम है मार्क करो भाई जल्दी से फास्ट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स का क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग मार्क करें सभी लोग बताएं बताइए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन को मार्क कर रहे हो बहुत अच्छे भाई मैं देख पा रही हूँ देखो भाई ग्रेविटी डैम हो गया चाहे फिर हम टिम्बर डैम कहें ग्रेविटी डैम कहें टिम्बर डैम कहें रॉकफिल रॉक फिल डैम कहें और इसी तरीके से अर्दन डैम कहें अर्दन डैम कहें, कहें, कहें आर्च डैम कहें ठीक है ये सारे के सारे डैम क्या हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर ठीक है स्ट्रक्चरल बिहेवियर के आधार पर हम इन सारे डैमों को क्लासिफाई करते हैं बट अगर हम स्टोरेज डैम डिटेंशन डैम और डायवर्जन डैम की बात करें तो इसको हम स्ट्रक्चरली हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करते वैसे डैम है बट स्ट्रक्चरली हम इनको क्लासीफाई नहीं करते आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताएं भाई इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करो दो में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या आंसर होना चाहिए बताओ वट इज द वेरिएशन ऑफ ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम हेड ऑफ मेन कैनाल टू डेट इन फील्ड अगर हम हेड ऑफ कैनाल से फील्ड की ओर आते हैं तो ड्यूटी आपको क्या देखने को मिलती है क्या पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि ड्यूटी ऑफ वाटर एट एम कैन बी ग्रेटर और लेस देन द ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ या आंसर ऑप्शन नंबर बी को मारोगे कि ड्यूटी ऑफ वाटर एट एम इज ऑलवेज इक्वल टू ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ या आंसर आप ऑप्शन नंबर सी को मार्क करोगे या डी को बताओ ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सेवन का सीमा आ रहा है ड्यूटी ऑफ वाटर एट एम इज ऑलवेज लेस देन ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ मतलब फील्ड की वाटर से हमारी एम की ड्यूटी आपको कम नजर आती है यही बोलना चाह रहे हो आप तो देखो आपको ये पता है कि अगर हम रिवर रिवर से अगर हम फील्ड की ओर को जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बीच में हमारे पास मेन कैनाल भी आएगी हमारे पास ब्रांच कैनाल भी आएगी डिस्ट्रीब्यूटरी भी आएंगी माइनर्स भी आएंगे सारे आएंगे तो आपको पता है कि रिवर में अगर हम कहें तो डिस्चार्ज हमें ज़्यादा नजर आएगा

अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या कहलाती है बहुत अच्छे भाई भोपा स्वामी ब्रॉक लेसनर रिंकी कुमारी अनुराग माया राम नव्या सभी लोग अच्छे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए डेल्टा ऑफ अ क्रॉप मीन्स अगर हम क्रॉप के डेल्टा की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या नजर आता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है सी आंसर को मार्क करो वेरी गुड डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई दी क्रॉप डेल्टा की अगर हम बात करें तो डेल्टा क्या है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट बेस्ट पीरियड कंप्लीट बेस्ट पीरियड में जितनी उसको टोटल डेप्थ ऑफ वाटर की जरूरत होती है वही आपका डेल्टा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है थ्योरी विद प्रैक्टिस ऑनलाइन बैच है आप लोगों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं इसमें आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ द वॉटर यूटिलाइज बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन सॉइल द फॉर्म ऑफ किस में किस फॉर्म में बेसिकली पानी प्रेजेंट होता है ग्रेविटी वाटर कैपिलरी वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर या केमिकल वाटर आपको ये बात समझ में आती है कि जो ग्रेविटी वाटर है जो फ्री वाटर है उसमें क्या है कि आपने वाटर दिया वाटर डायरेक्टली आपका मूव होता हुआ ग्राउंड वाटर में जाके मिल गया तो वो क्या है ग्रेविटी वाटर जिसे आप फ्री वाटर कह रहे हो

बहुत अच्छे भाई रिंकी कुमारी माया राम भोपाल स्वामी ब्रॉक लव गुरु गौरव सभी लोग अच्छे आंसर कर रहे हैं तो दसवें का आंसर जा रहा है मॉइस्चर डेफिशिएंसी वेरी गुड तो वो क्या इंडिकेट करता है कि सॉइल में कितने मॉइस्चर की कमी है कि हमें उसे इतना पानी देना पड़ रहा कि वाटर फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच पाए बात समझ रहे हो तो ये क्या होती है सॉइल मॉइस्चर डेफिशियंसी होती है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखो जेपीएससी ए में पूछा गया है ये डेल्टा और ड्यूटी का तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब ये फेमस क्वेश्चन कह सकते हैं इसको कि कुछ पेपर में नहीं आएगा तो ड्यूटी डेल्टा का ये एक्सप्रेशन तो आपको नजर आएगा ही आएगा बताओ फिर इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे ऑप्शन नंबर ए मार्क करें बी मार्क करें सी मार्क मार्क करें करें या डी बट जल्दबाजी में क्या होता है ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है क्या करें इसमें आंसर डेल्टा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ आपको इतना पता है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है एट पॉइंट सिक्स फोर बी अपॉन डी होता है जहां पर बी बेस पीरियड है डी ड्यूटी है और आपका डेल्टा है आपको पता है डेल्टा डेल्टा मतलब क्या है आपका टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट बेस पीरियड कंप्लीट बेस पीरियड में टोटल डेप्थ ऑफ वाटर की जितनी भी जरूरत होती है वही क्या है आपका डेल्टा है बेस पीरियड आपको पता है कि अगर हम बेस पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक जितना भी आप वाटर दे रहे हैं हैं जितना भी टाइम इंटरवल हमें लग रहा है है उसे हम बेस पीरियड कहते डी मतलब आपको पता ड्यूटी ड्यूटी में हम क्या कहते हैं कि वन क्यूमिक रेट ऑफ सप्लाई में फॉर कंप्लीट बेस पीरियड में जितना आपका एरिया ऑफ लैंड हेक्टेयर में अगर हम कहें इरीगेट हो पाता है वही उसकी ड्यूटी कहलाती है क्लियर है चलिए तो बताओ फिर कौन सा ऑप्शन को मार्क करें यहाँ पे डी आंसर कह रहे हो आप डेल्टा इज इक्वल्स टू वेरी गुड 8.64 बी अपॉन डी वेरी नाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताएं अ ग्रेविटी डैम मींस एसएससी जेई 2020 का क्वेश्चन है एक ग्रेविटी डैम मतलब आप क्या समझते हो देखो भाई ग्रेविटी डैम के अगर हम फेलियर्स की बात करते हैं कि ग्रेविटी डैम कैसे कैसे फेल हो सकता है अगर हम इसके failures criteria में चले कि कैसे कैसे ये फेल हो सकता है तो हम लोग कहते हैं देखो तो हम कह सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लाइडिंग फेलियर हो सकता है कैसे हो सकता है आपका स्लाइडिंग फेलियर हो सकता है थर्ड वन अगर हम लोग कहें तो कैसे फेल हो सकता है आपका क्रशिंग में फेल हो सकता है और फोर्थ वन अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं बताओ कि आपका ओवर टर्निंग में फेल हो सकता है स्लाइडिंग में फेल हो सकता है क्रशिंग में फेल हो सकता है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं टेंशन में फेल हो सकता है क्या हो सकता है आपका टेंशन में फेल हो सकता है आपका ग्रेविटी डैम हम कहते हैं कि ओवर टर्निंग में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जब आपका जो ओवर टर्निंग मोमेंट होता है वो रजिस्टिंग मूवमेंट से क्या हो जाता है आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपका ग्रेविटी डैम ओवर टर्न कर सकता है लेकिन हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली ओवरटर्निंग की जो सिचुएशन होती है जो ओवरटर्निंग की सिचुएशन होती है उसके आने से पहले ही आपका जो डैम होता है वो क्रस्ड हो जाता है मतलब कंप्रेशन में ही फेल हो जाता है प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो ठीक है स्लाइडिंग में तो देखो आपको पता है कि जब अगर हम हॉरिजेंटली जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो आपका एक रजिस्टिंग फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उससे ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो डैम है वो क्या हो जाएगा आपका स्लाइड कर जाएगा जिसे आप स्लाइडिंग फेलियर कहते हो क्रेशिंग में आपको पता ही है कॉन्क्रीट का डैम है क्रश में फेल हो ही सकता है और हम कहते कॉन्क्रीट की हो तो अगर हम बात करें तो वो आपका कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है और वीक है आपका टेंशन में ना ठीक है तो इस तरीके से फेलियर्स देखने को मिलते हैं तो ग्रेविटी डैम हम क्या कहते हैं कि ऑल दी फोर्सेस ड्यू टू वाटर चाहे वेव अपली प्रेशर बाय आर रजिस्टेड बाई दी डैम को आप वही पर प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो ठीक है अदरवाइज आप ग्रेविटी डैम को प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे या बना ही नहीं पाओगे ग्रेविटी डैम और बनाओगे भी तो वो कोलेप्स कर जाएगा तो सबसे पहले तो हम ये भी देखते हैं कि वहां पर स्थिति कैसी है फाउंडेशन हम किस तरीके की प्रोवाइड कर सकते हैं या मैं ये कहूँ की कि सॉइल किस तरीके की है चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन नॉर्मली फाउंड में अगर हम कहें तो जनरली हम लोगों को किस तरीके का वाटर प्रेजेंट नजर आता है जिसे प्लांट्स अपनी ग्रोथ में लेते हैं अवेलेबल वाटर की अगर हम बात करें तो कौन सा वाटर अवेलेबल कंडीशन में होता है बताइए आंसर करो भाई सभी लोग तो अनुराग कुमार भोपाल स्वामी ब्रॉकलेसनर नव्या एजुकेशन जोन प्लस सभी लोग अच्छे आंसर कर रहे हैं बताए तो सॉइल में कौन सा वाटर प्रेजेंट होता है क्या करें इसको आंसर सी ऑप्शन यस कैपिलरी वाटर आपका एकदम करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब करो इसको केपीएससी जेई में आया देखो और आप जैसे कि थंबनेल में देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो एस जेई का लगाना ही लगाना है उसके साथ साथ क्या लगाना है हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी लगाना है तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे एक रिजर्वर है विथ लाइव स्टोरेज ऑफ फोर मिलियन क्यूबिक मीटर्स 400 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हमारा अवेलेबल है टू इरिगेट एन एरिया ऑफ एरिया की बात करें तो 40,000 हजार हेक्टेयर 125 ड्यूटी कैसे करोगे इसको बताए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए हमें इतनी बार समझ में आती है कि डी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एट पॉइंट फोर बी अपॉन डेल्टा होता है आपको इतनी बार समझ में आती है कि ड्यूटी पूछा गया है और बेस पीरियड में बात करूँ तो बेस पीरियड हमारे पास 125 डेज का है बट बात यह है कि हमारे पास डेल्टा नहीं है डेल्टा कैसे कैलकुलेट करें आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम के फॉर्म में ये दे रखा है और एरिया के फॉर्म में ये दे रखा है क्या आपको लगता नहीं है कि डेप्थ कैलकुलेट हो सकती है, करके। बताओ फिर अब तो बता नहीं है। आप क्या आ तो तो जाएगा देखो 400 सौ इंटू टेन की पावर सिक्स आ जाएगा मिलियन क्यूबिक मीटर में है इंटू टेन की पावर फोर आ जाएगा ये टेन की पावर फोर मीटर स्क्वायर में आ गया ये आपका मीटर क्यूब में आ गया यहाँ से हम कह सकते हैं कि मीटर में आ जाएगा आपके पास सॉल्व करोगे से तो आ आ आ आ रहा है आपके पास पास वन मीटर वन मीटर हमारे क्या डेप्थ मतलब डेल्टा गया अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपसे बोला गया टू फीलिंग्स ही नहीं है मतलब एक साल में हम दो बार फीलिंग कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा आपके पास दो हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई वन यहाँ से देखो एट पॉइंट सिक्स फोर इंटू हमारे पास वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू अब तो बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा चार सौ चालीस या बी या सी या डी क्या आंसर कर रहे हो ऑप्शन है क्यूबिक वेरी गुड और क्वेश्चन काफी अच्छा ही है ये अब मुझे समझ नहीं आता देखो क्लास नहीं लेनी आप लोगों को जैसे आप लोग तो ले रहे हो देखो उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनको क्लास नहीं लेनी उनको क्लास नहीं लेनी टेलीग्राम में क्वेश्चंस भेजते हैं सेम वही क्वेश्चन भेजते हैं जो हम क्लास में कर रहे हैं टेलीग्राम में भेजते हैं या मैं देखती हूँ कि और भी जो ग्रुप्स हैं उनमें भेजते हैं यही से क्वेश्चन भेजते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा इसका कैसे आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल तो कोई सॉल्व नहीं करता सीधी सी बात है ठीक है लेकिन क्लास नहीं देखनी उनको वो चाहते हैं कि बस शॉर्टकट में उनके पास बिल्कुल आंसर आ जाए और बस वो उसको याद कर ले ऐसा नहीं होता देखो नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही मेहनत तो करनी पड़ेगी ठीक है तो ड्यूटी आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताओ भाई इस क्वेश्चन को आंसर करो ये तो मैंने बहुत बार आपको कराया भी है जब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज थी तो कितनी बार मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज सेलाइंस सॉइल के लिए कितना होता है बताओ आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए डायरेक्ट एरिया पॉन्ट डिस्चार्ज कर दो चलो देखो कैसे भी कर सकते हो बट आंसर सही आना चाहिए बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए बहुत बार बताया मैंने, देखो आपको उनको तो आएगा ही देखो लेस ध्यान रखना के लिए 15 होता है। आगे चलते है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब देखो कल ही हम लोगों ने डायग्राम देखा था और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे बता दो कि जो स्टोरेज होता है वाटर बिलो बॉटम लोएस्ट सुलिस वे इन इज कॉल्ड तो हमें जो नीचे आपका सुलिस वॉल्व है जो गेट वॉल्व जिसे आप कहते हो उसके नीचे जो स्टोरेज हमें देखने को मिलता है उसको आप सरचार्ज स्टोरेज कहते हो यूजफुल स्टोरेज कहते हो डेड स्टोरेज कहते हो या लाइव स्टोरेज करेक्ट आंसर जाएगा बताइए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए पूरा मैंने आपको कल बताया था जिसने देखी होगी क्लास उसको पता होगा कि मिनिमम पुल लेवल से नीचे अगर हम बात करें तो डेड स्टोरेज मिनिमम पुल लेवल और नॉर्मल पुल लेवल की बात करें तो आपका यूजफुल स्टोरेज उसके ऊपर चले जाओ तो फिर सरचार्ज स्टोरेज तो इसको आंसर क्या करोगे बताओ यस राइट आंसर डेड स्टोरेज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताइए The time period that elapses from the instant of sowing to instant of harvesting is called फसल के बोने से लेकर फसल के कटने तक का जो समय हमें देखने को मिलता है जो पीरियड हमें देखने को मिलता है उसे क्या बेस पीरियड कहते हैं उसे क्या ग्रोथ पीरियड कहते हैं या ऑप्शन नंबर सी या डी को मार्क करोगे आप लोग यहाँ पर बताइए बताओ भाई जल्दी से आंसर करें सभी लोग और सभी स्टूडेंट वीडियो को एटलीस्ट लाइक करें जिससे कि पता रहे आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं दूसरी बात फीडबैक एंड सजेशन फॉर्म पिंड किया गया है पिन कमेंट है तो उसमें जरूर अपना फीडबैक और सजेशन दें ठीक है जब आप क्लास में आ रहे हो तो इतनी भागीदारी तो आप कर ही सकते हो और साथ ही साथ तो ऑफलाइन क्लासरूम के ऑफलाइन क्लासरूम नहीं ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है बेसिकली जो इस क्लास को देखते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया होता है भाई ठीक है अब वो लाइव चैट में तो आते नहीं है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हो आप बताएं इसका आंसर सी ऑप्शन मार्क कर रहे हो बहुत अच्छे देखो सोइंग से हार्वेस्टिंग तक के पीरियड को क्रॉप पीरियड कहते हैं फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक के टाइम पीरियड को आप बेस पीरियड कहते हो ठीक है आगे चलते हैं आगे जाने से पहले देखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच कोर्सेस ठीक है जिसमें रिकॉर्डेड फिफ्टी थाउजेंड प्लस क्वेश्चन है हार्ड कॉपी बुक अवेलेबल है अगर पढ़ना चाहते हो तो आप जा सकते हो इस कोर्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको बताओ एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इज नियर टू राइस क्रॉप की अगर हम एवरेज डेल्टा की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि राइस के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है बताइए भाई आंसर क्या जाना चाहिए राइस की कहें या सुगर केन की कहें सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू हमें नजर आती है और डेल्टा है क्या जो टोटल डेप्थ ऑफ वॉटर की जरूरत होती है उसके कंप्लीट बेस पीरियड के लिए तो राइट right आंसर क्या जाएगा बताओ एक सौ बीस सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1200 सो mm, एम और यही 120 सेंटीमीटर आपका शुगर केन के लिए भी होता है और यही आपके राइस के लिए भी होता है इसी तरीके से वीट के लिए भी ध्यान रखना है वीट के लिए हम लोग कहते हैं 37.5 सेंटीमीटर हमें वीट के लिए डेल्टा की वैल्यू नजर आती है क्या नजर आती है थर्टी सेंटीमीटर वीट के लिए नजर आती है ठीक है चलिए आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स विच ऑल फॉलोइंग माथर्ड ऑफर मे बी यूज ऑन रोलिंग लैंड जब हम रोलिंग लैंड और हिली एरियाज की बात करते हैं तो हमें जनरली कौन सी फ्लडिंग देखने को मिलती है क्या बॉर्डर को आंसर करेंगे चेक को आंसर करेंगे फरो को आंसर करेंगे या फ्री फ्लडिंग आप लोगों की नजर में राइट right आंसर जाना चाहिए बताइए सभी लोग आंसर करें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का तो विच ऑफ दी ऑफ द्लाइंग वाटर मे बी यूज ऑन रोलिंग लैंड रोलिंग लैंड कह दें या हिली एरियाज की बात करें तो ऑब्वियसली कौन सा आंसर फ्री फ्लडिंग यस फ्री फ्लडिंग को आप आंसर करोगे हम कहेंगे फ्रीली आपका वाटर मूव करता जाएगा ठीक है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स लॉसेस थोड़े ज्यादा हमें इसमें देखने को मिलेंगे लेकिन हिरी एरिया हिली एरियाज में हम लोग इसको बेसिकली प्रेफर कर सकते हैं वेरी गुड नेक्स्ट चलते हैं देखो इस क्वेश्चन को आंसर करो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ एस एस सी जे दो हजार बीस मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है आपसे बोला जा रहा है कि इसको हम लोग टनल्स की तरह हमें नजर आता है हम अंडर स्लुसिस के नीचे इसे प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारी सिल्ट रुक जाए और क्लियर वाटर आगे को मूव करते हुए जाए तो बताओ इसे सिल्ट टनल कहोगे 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 आप इसे सिल्ट या अंडर या सिल्ट कहोगे क्या आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए बताइए तो भोपा स्वामी गौरव ऋतु सैनी नव्या एजुकेशन जोन प्लस सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं भाई बताइए क्या करें इसको बी आंसर वेरी गुड

ठीक है रिवर है जैसे ये रिवर है इसका ये अपस्ट्रीम साइड और ये डाउनस्ट्रीम साइड है इसके बीच में तो आप ये डाइवर्जन हेडवर्क को बना रहे हो ना तो हम क्या कह रहे हैं देखो जो ये आपका ये आपका वेयर प्रॉपर हो गया ये फिल्सलेटर होगी डिवाइड बॉल होगी ये है हमारा अंडर सर्विस पॉकेट इस अंडर सर्विस पॉकेट में ही हम लोग क्या लगाते हैं बेसिकली सिल्ट एक्सक्लूडर्स को लगाते हैं किसको लगाते हैं हम सिल्ट एक्सक्लूडर को जिससे कि हम क्या कर सके सिल्ट को रिमूव कर सके अब देखो जब ये वाटर आपका कैनाल में जाता है ऑफ टेकिंग कैनाल में जब ये हमारा वाटर जाता है बेसिकली हम मूव कराते हैं इस कैनाल में हम लोग कहते हैं बेसिकली आप क्या लगाते हो सिल्ट इजेक्टर लगाते हो क्या लगाते हो आप सिल्ट इजेक्टर्स लगाते हो बेसिकली सिल्ट को रिमूव करने के लिए क्लियर तो ये बात आपने ध्यान रखनी है क्लियर है नहीं आते सभी लोगों को चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ एस एस सी जे दो हजार बीस में पूछा गया देखो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो बट आंसर सही आना चाहिए क्वेश्चन आपको बोला गया है दे देखो इसका रिड्यूस लेवल अगर हम कहें तो दो सौ तेरह दशमलव पांच मीटर बैड लेवल ऑफ कैनाल की बात करते हैं तो दो सौ बारह मीटर और हाई फ्लड लेवल इन ड्रेन की बात करते हैं तो दो सौ दस मीटर आपसे बोला गया है Considering the given details, in details को consider कर, कर आपको आंसर करना है टाइप ऑफ बेस्ट डेनेबल टू साइट बताओ कैसे करोगे इसको क्या लगता है साइफन होना चाहिए होना चाहिए, सुपर पैसेज होना चाहिए या साइफन एक्वीडक्ट के साथ हम जाएंगे इस क्वेश्चन में बताए भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि सही आएगा साइफन आने लग गया भाई आंसर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत जल्दी सही आंसर कर देते हो क्या बात है भाई क्या बात है लगता है कि आपको कि इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हैं अभी देखना कुछ और भी आ रहा होगा आंसर देखो भाई एक्विडक्ट भी आ गया है एक स्टूडेंट का तो देखो एक्विडक्ट आ रहा है बाकी सब लोग मतलब सी ऑप्शन में ज्यादा है और वा, साइफन वाले कम है देखो जल्दबाजी में करोगे ना तो साइफन ही करोगे आप इसका आंसर फिर आप एग्जाम में तो साइफन करके आ जाओगे उस समय तो खुशी खुशी आओगे आप क्योंकि आपको तो लगता था कि साइफन ही करेक्ट है फिर जब घर आओ जाओगे तब भी पता नहीं लगेगा पता आपको तब लगेगा जब आंसर की आ जाएगी आपकी तब आपको पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा और आप साइफन करके आ गए लो एक नंबर तो गया ही और साथ ही साथ पॉइंट टू फाइव मार्क्स और गए पीछे से ठीक है तो आप समझ रहे हो जल्दी से आंसर नहीं करना सोच लो पहले आपको क्या नजर आता है फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल ये है हमारी High flood level हमारे पास ये आपको नहीं लगता कि फुल अगर हम कैनाल की बात करें फुल सप्लाई बात करते हैं तो ये हमें अब हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन से क्या नजर आ रही है हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन से हमें अब, अब, अब नजर आ रही है तो आपको नहीं लगता कि ये एक्वीडक्ट है तो बताओ फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अब बेड लेवल कैनाल का ही अब बेड लेवल ड्रेन से अगर हम देखें तो फिर वैसे भी आप एक्विडक्ट एक्विडक्टर माफ करोगे मैंने आपको बोला है कि जब एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा एक्विडक्ट ही आंसर जाता है एक्विडक्ट ही आंसर जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट द फर्स्ट वॉटरिंग डाटस इज गिवन टू क्रॉप्स व्हेन द क्रॉप इज वन सेंटीमीटर हाई इज कॉल्ड बताइए जब एक सेंटीमीटर की आपकी क्रॉप हो जाती है उस समय जो वॉटरिंग आप कर रहे हो उसको आप पेलियो इरिगेशन कहते हो वाटर सप्लाइंग कहते हो कोर वॉटरिंग या ऑप्शन डी आप, आप लोगों की नजर में करेक्ट आंसर होना चाहिए बताइए क्या आंसर मार्क करेंगे भाई सभी लोग आंसर करें और क्लास में जितने भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने अटेंडेंस मार्क करें फीडबैक सजेशन फॉर्म को जरूर फिल करें और साथ ही साथ जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में जाओगे वहां पर इंजीनियर्स अकेडमी सिविल करके आप टाइप करोगे आपको ग्रुप विजिबल हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी सिक्स प्लस स्टूडेंट हैं बट वो क्लास में नहीं आते हैं बट टेलीग्राम में डिस्कस बहुत करते हैं ठीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो देखो

प्रेस ड्रेन बोलना चाहिए सरफेस इनलेट टाइल ड्रेनेज या अच्छा क्वेश्चन है ना पूछा भी गया देखो डीएमआरसी 2018 में बताइए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए तो संजय गौरव माया राम दास जी भोपा स्वामी ब्रॉक लेजनर सभी लोग अच्छे आंसर्स करते हुए इस क्वेश्चन को आंसर क्या करोगे 23 का डी भाई जो डी कर रहे हैं उनकी तैयारी सच में एक लेवल ऊपर चल रही है बैडिंग होता है भाई इसका बैडिंग आंसर जब पहली बार ये क्वेश्चन आया होगा तो जरूर गलत होगा लेकिन जब आप देख लिया तो अब गलत नहीं होना चाहिए प्रोवाइड कराया गया है पढ़ना चाहते हो तो जा सकते हो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको आंसर करो अबाउट एट्टी परसेंट इरीगेशन एफिशियंसी इज पॉसिबल विथ स्प्रिंकलर इरीगेशन पर्टिकुलरली इन स्प्रिंकलर इरीगेशन मतलब वाटर इज अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ स्प्रे

के लिए इवेपोरेशन लॉसेस तो इसमें से देखने को मिलते हैं क्या देखने को मिलते हैं लॉसेस देखने को मिलते हैं, पर नहीं आते हैं।, मतलब कम आते हैं। और ऐसा इसलिए उसकी वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन लॉसेस तो बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा पानी आपका सरफेस आपके एटमोस्फेर के कॉन्टेक्ट में आएगा लेकिन आप कम पानी प्रोवाइड कर रहे हो तो सीपेज लॉसेस नजर नहीं आते हैं हम कहते हैं अस्सी परसेंट तक की एफिशिएंसी आपको तब नजर आ सकती है जब ह्यूमिड सेमी एरिड रीजन हो मतलब ज्यादा सूखे रीजन ना हो उनमें ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो ठीक है वहाँ पे एरिड रीजन तो क्या है एकदम डेजर्ट जो सूखे रीजन है वहां पे थोड़ी ना इतनी ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी ठीक है ना तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताइए

और लेस पुडिंग मतलब कि आप हल जोतने में भी परेशानी नहीं हो रही है तो बताओ फिर इसका आंसर क्या जाना चाहिए चलो भाई आंसर क्या जाना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा तो देखो ड्राफ्ट मैन में, में सेलेक्ट हो गया देखो लोग आपको भी सेलेक्ट होना भाई इसी तरीके से आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया ठीक है आंसर क्या जाएगा बताओ इसका इरिगेशन मैथड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कौन सा इरीगेशन मैथड इरिगेशन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले देखो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैठेगी कोर्सेस जिसमें कि ऑनलाइन लाइव क्लास फ्रॉम ऑफलाइन क्लासरूम नजर आ रही है हार्ड कॉपी बुक अवेलेबल है और देखो आप टॉप ऑफ स्टॉक में भी आप सुनते हो भाई कि एक आध बुक लगाओ उसी को सात आठ बार लगाओ ठीक है उसी से सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे अब ढूंढते रहोगे क्वेश्चन 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 तो क्या होगा कि वो भी नहीं करा ढंग से और ना कुछ करा ढंग से ठीक है अब बच्चे क्या है टेलीग्राम में पूछ रहे हैं ये वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा वो करते ही नहीं है वही बुक ही सॉल्व नहीं करी है उन्होंने कहा वो दस बुकों से क्वेश्चन लगाएंगे ठीक है तो एक बुक को दस बार आपने क्वेश्चन लगाने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो इस क्वेश्चन का द मैथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन रनिंग ऑन दी साइड ऑफ वॉटर डिचे यूज इन सर्टेन एग्रीकल्चरल फील्ड लैंग्वेज चेंज कर दी डिचेस बनाते हैं बस, डिचेस में आप क्या कर रहे हो पानी को फिल कर रहे हैं जिससे कि फिर क्या हो रही है आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है तो इसको कौन सी इरिगेशन नाम दोगे बताइए क्या आंसर आप लोगों की नजर में करेक्ट होना चाहिए ये पटेटो रेडिश कैरेट ये सब ये सब बेसिकली हमारा यूज होता है बताए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा देखो लैंग्वेज चेंज कर दी है बट आंसर चेंज होगा क्या नहीं होगा क्योंकि ये है क्या फरो इरिगेशन है क्या है ये फरो इरिगेशन है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करो भाई कंजक्टिव यूज पूछ लिया यूके पी एस सी दो हजार तेरह में आ गया देखो ये द कंजक्टिव यूज ऑफ अ वाटर इन अ बेसिन मींस कंजक्टिव यूज किस किस का कंबाइंड यूज हमें नजर आता है क्या वो वॉटर फॉर इरीगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन का कंबाइंड यूज है या यूज ऑफ वाटर बाई फार्मर्स कोऑपरेटिव डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो दी ग्राउंड सरफ़ेस है या ऑप्शन नंबर सी को मार्क करोगे यह सरफ़ेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का कंबाइंड यूज है आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए

मेहनत तो का फल तो देखो मिलता ही है एक ना एक दिन तो मिलता ही है और मेहनत अगर आप करते रहो तो फल की इच्छा तो वैसे भी मत करो फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा सही टाइम में मिलेगा और सही चीज के लिए मिलेगा तब आप सोचोगे तब आप सोचोगे जैसे सपोज क्या होता है कि कोई एग्जाम आपका क्रैक नहीं होता जैसे एक बार एग्जाम नहीं निकला तो फिर आप लोग क्या सोचते हो कि अब तो बेकार ही है ठीक है आपने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी थी और ये नहीं निकला लेकिन क्या होता है देखो वहीं से आपको वापस से उठना पड़ता है और वापस से तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ती है दूसरे एग्जाम के लिए फिर दूसरा एग्जाम क्रैक हो जाता है फिर आप सोचते हो कि वाह ये तो उससे बेहतर था और उससे बेस्ट मिल गया आपको तो देखो भगवान ने क्या आपके लिए बेस्ट प्लान सोचा है अब वो बेस्ट प्लान तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे ये नहीं कि एक बार फेल हो गए तो बस खत्म अब नहीं पढ़ते अब नहीं हो पाएगा ऐसे सोचोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्या आंसर करें बताओ मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कर अरे भाई आंसर सी करें क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन को आप एक और चीज तो देख ही नहीं पा रहे हो क्या करें इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई

सामने आ ही जाता है सो so, कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो देखो कितने लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं मैं तो कर ही रही हूँ साथ में साथ में देखो आपके कमेंट सेक्शन में ही मोटिवेटर बैठे हैं देखो अब बताओ इस क्वेश्चन को बताओ उत्तराखंड पेपर जे लैंग्वेज चेंज है आंसर चेंज होगा क्या बताइए भाई वेन क्रॉप आर ग्रोन ऑन रिजेस रनिंग ऑन दी साइड ऑफ दिचेस इिगेशन एडोप्टेड इज कॉल्ड क्या करें ड्रिप है फ्लड है या फरो या चैक बताएं भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए मार्क करो जल्दी से फास्ट बताए भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग नॉट लिफ्ट मैम कैसी बात कर रहे हो सब सरफेस इरीगेशन में ड्रिप इरीगेशन आती है तो लिफ्ट इरीगेशन तो आती ही नहीं है लिफ्ट इरीगेशन कोई सब सरफेस इरीगेशन का पार्ट है क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मतलब फ्लैश में अभी अभी दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम लिफ्ट क्यों नहीं बताओ बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन यस अगर हम कहें रिजेज हैं डिचेस हैं डीचेस क्रॉप आर ग्रोन ऑन रिजेज रनिंग ऑन दाइड ऑफ द डिचेस देन द काइंड ऑफ इरीगेशन एडॉप्टेड इज कॉल्ड क्या करें बताओ इसको ये सी ऑप्शन मार्क करोगे या डी यस फर हो ही जाएगा ना यह चेक जाएगा बताओ देखो बोला गया है व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिजेज रिजिज हैं रनिंग ऑन दी साइड्स ऑफ डिचेस साथ ही साथ डिचेस भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो क्या मार्क करेंगे इसमें बताओ आप कौन से ऑप्शन को मार्क करें तो देखो आपको पता है कि अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं बेसिकली कि इस तरीके से हमारे पास क्या होती है मेन डिजेज आपको नजर आती है उसके बाद आप देखोगे तो इस तरीके से हम लोगों की क्या होती है इस तरीके से आपको लीव्स नजर आती हैं रिजेस बेसिकली हम कह सकते हैं ठीक है और उसके बाद आप देखते हो कि इनमें से हम नारा क्या होता है धीरे धीरे करके जो वाटर है वो हमारे ग्राउंड में बेसिकली मूव करता है तो आंसर क्या करें इस क्वेश्चन का बताइए फर्रो जाना चाहिए या आपकी चेक फ्लडिंग जाना चाहिए या फ्लड जाना चाहिए ड्रिप इसकी जो हम बात करते हैं ना जो आप चेक फ्लडिंग आंसर कर रहे हो उसे चेक फ्लडिंग में हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं लीव जिसे हम मिट्टी की मेड़ कहते हैं वो यहाँ पर मैंशन नहीं है यहाँ पे बोला गया आपसे कि आप डिचेस डिचेस मतलब बेसिकली डिचेस मतलब जो गड्ढे आपके बना रहे हैं जिसमें हम पानी फिल कर रहे हैं और इसके साइड साइड हम लोग क्या कर रहे हैं क्रॉप्स को उगा रहे हैं फिर जो पानी है रिस रिस कर हमारी प्लांट्स की क्या है हमारी प्लांट्स की रूट जो उनको मिल रहा है तो आंसर क्या जाएगा फर हो हाँ अगर ये टर्म मेंशन किया होता है कि लीव्स हैं मिट्टी की मेड़ बनी हुई है प्रॉपर ढंग से आपकी फ्लडिंग हो रही है वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर हम चेक के साथ चले जाते आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करो भाई नॉन कंजटिव यूज ऑफ वाटर इज इन देखो जो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है वो तो बेसिकली ट्रांसपेरेशन और इवेपरेशन में चला गया हम लोग कहते हैं कि नॉन कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर को कहाँ पर यूज करोगे बताओ देखो ये वाटर इतना ज्यादा तो है नहीं कि हम सी को सप्लाई कर दें पानी या इतना ज्यादा भी नहीं है कि हम इसको फायर फाइटिंग में यूज कर दें तो हम कहते हैं कि कंजप्टिव यूज तो लॉसेस में आ गया आपका इवेब्रेशन प्लस ट्रांसफोरेशन और जो नॉन कंजप्टिव यूज होता है उसको हम कहाँ यूज कर लेते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लेते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करो भाई स्प्रिं इन इज प्रिंकलिंग इरीगेशन को हम लोग प्रिफर करते हैं कप स्प्रिंकलिंग इरीगेशन इज प्रफर्ड वैन तो कप जब ग्राउंड होता है तब आप इसे प्रेफर करोगे क्रॉप की सेलो रूट होती है तब आप इसे यूज करोगे इरीगेशन वाटर में हमें स्कैरिटी नजर आती है मतलब पानी की कमी नजर आती है तब आप स्प्रिंक् इरीगेशन को प्रिफर करोगे बताओ राइट आंसर क्या जाएगा येस ऑल ऑफ दंसर

और ये पूछा गया आपके जेएसएससी जेई में झारखंड एस एस सी जेई में पूछा गया आपको क्या लगता है बता। बताओ मिनिमम वेस्टेज किस में नजर आता है फरो में नजर आता है चैक में नजर आता है स्प्रिंकलर में नजर आता है बॉर्डर को आंसर करें बताइए भाई सभी लोग आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए क्या आंसर करेंगे बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताओ हाँ तो देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन लैंग्वेज रिपीट हो रही है ये बोल लैंग्वेज आपकी अलग अलग है क्वेश्चन तो सेम ही है सेम ही आंसर है बट आप देखो ना लैंग्वेज अलग अलग है और पेपर लैंग्वेज से तो 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 खेल खेल रहा खेल किस रहा किससे है ये क्वेश्चन तो तो वही आ रहे हैं कॉन्सेप्ट वही है प्रैक्टिस उन्ही चीज की तो करनी है आंसर क्या जाएगा बताओ यस स्प्रिंकलिंग इरीगेशन में हम लोगों को क्या नजर आता है मिनिमम वेस्टेज नजर आता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करो उत्तराखंड जी 2015 में पूछा गया अवेलेबल मॉइस्चर है जल्दी से आंसर करो फास्ट तो इतनी बात मैंने आपको सिखाया पढ़ाया है है कि अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता देखो फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्लू फील्ड कैपेसिटी से पीडब्लू को माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा अवेलेबल मॉइस्चर आ जाएगा तो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल बिटवीन एफसी एंड पीडब्ल्यू पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइड बैंक्स आर प्रोवाइडेड इन रिवर्स टू बताओ रिवर में बेसिकली गाइड बैंक्स को प्रोवाइड करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है फ्लड पीक को रिड्यूस करने के लिए फ्लो ऑफ द रिवर को डिक्रीज करने के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो को इंक्रीज करने के लिए या फ्लो ऑफ द रिवर को चैनलाइज करने के लिए बताइए चैनलाइज का मतलब क्या है कि प्रॉपर ढंग से जो रिवर का वाटर है वो अच्छे से मूव कर सके नहीं अच्छे से मूव कर सके तो हम क्या कहेंगे कि गाइड बैंक आर प्रोवाइडेड इन रिवर्स टू चैनलाइज द रिवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करो ये उत्तराखंड ए 2012 में पूछा गया है कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर डेट कैन बी गारंटेड ड्यूरिंग क्रिटिकल ड्राई पीरियड इज कॉल्ड तो क्रिटिकल ड्राई पीरियड में हम लोगों को जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की नजर आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आंसर क्या जाएगा से फील्ड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर से फील्ड आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आता हुआ बताइए उत्तराखंड जी दो में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन आपसे बोला है इरिगेशन वाटर हैविंग सार सार वैल्यू इस अगर सार वैल्यू ऑफ इज अगर होती है तो वो किस टाइप का वाटर होता है तो क्या करोगे बताओ आपको बता देखो अगर हम जीरो से टेन बात करते हैं तो हम कहते हैं लो सोडियम वाटर टेन से एटीन हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं मीडियम सोडियम वाटर Zero से तो हम लोग कहते हैं वेरी हाई सोडियम वाटर क्या कहते हैं हम लोग वेरी हाई सोडियम वाटर तो बीस किस किस के बीच में आ रहा है अट्ठारह से छब्बीस के बीच में आ रहा है इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा हाई सोडियम वाटर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कवर होते हैं होप्स आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में देखें भाई जरूर ऑफलाइन में कमेंट्स करके बताएं आप लाइव तो आते नहीं हो आप लोग ठीक है तो कम से कम ऑफलाइन ही कमेंट करके बता दिया करो कि सेशन कैसा लगा कि कुछ चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं ठीक है तो देखो आप एक आध दिन में हम लोग इरीगेशन को कवर कर ही लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं ठीक है फिर उसके बाद आपको कोई एक नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा चलिए भाई तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं फीडबैक सजेशन फॉर्म को जरूर फिल कर लें साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन ज्वाइन कर लो आप लोग क्लास के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं बाकी कोई और समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो वेरी गुड भाई रिंकी लव गुरु नव्या भोपा स्वामी ब्रॉक लेजनर सभी लोग भाई ये रेगुलर स्टूडेंट है क्लास के ये इनकी वजह से ही क्लास चल रही है देखो मतलब लाइव तो तभी चल रही है देखो बाकी लोग तो आ नहीं रहे क्लास में चलिए भाई तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट थैंक यू